छोटी गाड़ी ने खुद आकर ठोका ट्रक, फिर भी थाने में भुगत रहा ट्रक ड्राइवर। ग्वालियर थाना सीहोर मैं खड़ा हूँ मैं, और ये मेरी गाड़ी कार एक्सीडेंट में हुई है और कार वाले को छोड़ दिया है और मेरी गाड़ी को जब्त कर लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि हमेशा छोटी वाली की गलती होती फिर भी बड़ी गाड़ी वाले को रोका जाता है। हमने NHI आगे आगे टोल वाले को इन्फॉर्म कर दिया था कि सर ये हमने CM हेल्पलाइन में फ़ोन कर दिया कि सर ये गाड़ी का शीशा टूटा है, और हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस गाड़ी थाने में ले आई और कार को भी ले आई, और कार वाले को यहाँ पार्किंग में कार खड़ी थी और कार वाले को छोड़ दिया। और बड़ी वाले को कहते हैं बड़ी वाले की गलती होती है, छोटी वाले की शिकायत दर पे हमने उसको छोड़ दिया है। ऐसा कौन सा कानून है कि छोटी गाड़ी वाले को छोड़ दिया जाता है और बड़ी गाड़ी को रोक लिया जाता है? हमें सभी सब ड्राइवरों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा कानून बनाया जा रहा है कि जो बड़ी गाड़ी का कानूनी कानून है छोटी गाड़ी वाले को नहीं रोका गया। वो कह रहे हैं कि छोटी गाड़ी वाले ने शिकायत दी थी, छोटी वाली गाड़ी, मैंने ये कहा था दोनों गाड़ी खड़ी होंगी, कोर्ट में अपील होगी, फिर गाड़ी छूटेंगी, ड्राइवर छूटेंगे, फिर जमानत होगी। थाने में SHO साहब आ रहे हैं, वो क्या तफ्तीश करते हैं। मैं थाना सीहोर ग्वालियर MP से मैं सभी ड्राइवरों से कहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे पता होना चाहिए आगे हमें क्या रणनीति करनी है। इससे पता लगेगा कि छोटी गाड़ी वाला गलती करने के बाद भी बच्चा है, क्योंकि गाड़ी रॉन्ग साइड चल रही थी, उसकी कनेक्टर साइड से लगी है और हम चल रहे थे फुटपाथ के साइड में, उसका साइड ग्लास सीट से टूटा था। आगे से आगे शेयर करें। देख लो हमेशा तुम्हारा कानून, ये हाईवे है और ये देखो दारू पी के राइट साइड में गाड़ी देखो कैसे चला रहा है। ये अभी ये मैं पिच लाइन में चल रहा हूँ, अभी ये राइट साइड में सब गाड़ियाँ आ रही हैं ओवरटेक। अब मैं क्या करूँ बताओ, उड़ा दूँ उसको या फिर मैं धीरे से मैं कहाँ जाऊँ बताओ। देखो ये बात वहाँ देखो मुझे दबाएगा, ये देख लो ये बाइक वाला देख लो, अब मैं कहाँ जाऊँ बताओ अमिता तुम। देख लो ये देख लो, ये देख लो गाड़ी देख लो, बोलते हो कि ये वो 10 लाख ड्राइवर गलती करता है, देख लो तुम्हारा कानून। मामला ग्वालियर मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, जहां पर ट्रक और कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों गाड़ियों को सीहोर पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। इसके बाद जैसा वीडियो में ड्राइवर ने बताया कि छोटी गाड़ी वाले को छोड़ दिया गया, यह कहते हुए कि गलती हमेशा बड़ी गाड़ी वाले की ही होती है। कानून में ऐसा कहां लिखा है? ड्राइवर सरकार से इस चीज का जवाब चाहता है। ड्राइवर के मुताबिक गलती भी कार वाले की ही थी, क्योंकि रॉन्ग साइड वो चल रहा था। वीडियो को देखने के बाद अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं।